देगा मेरे को वाई स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा और वाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वाई स्क्वायर मिला, तो यहाँ हुआ डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। समझिएगा इसको ऐसे, अगर आप e टू दी पावर टू एक्स का करते हो तो क्या लिखते हो, e टू दी पावर टू एक्स, फिर टू एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो टू आता है, और टू का क्या लगाते हो, डिवाइड, अवकलन में होता है मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में होता है डिवाइड। ओके, तो ये चीज हो गई आपके इंटीग्रेशन। यहां अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाना है, प्लस फोर एक्स क्यूब का, तो फोर एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर, यहां पे भी फोर फोर कट हुआ, तो ओवरऑल यू कितना मिल रहा है हमें, e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर फोर, ये यू मिल रहा है। इसको अगले स्टेप में वापस से लिख देता हूं, u इज इक्वल टू e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर फोर। अगला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर टू, u e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर फोर। ओके, u डेल u बाय क्या करना है, डेल y फाइंड करना है, डेल u बाय डेल y। तो अब मैं इसका y के रेस्पेक्ट में करता हूं, e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, y, तो y के रेस्पेक्ट में तो x तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और y स्क्वायर का कितना होगा 2y। ओके, जबकि x रेज पावर 4 का कितना हो जाना है, 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर, नाउ स्टेप नंबर 3, v फाइंड करना है, n माइनस डेल u बाय डेल y dy, n n की वैल्यू लेते हैं भाई, n की वैल्यू यहां से आप देखें क्लियर, तो 2xy e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, 2xy e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, 2xy e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये तो n आ गया, माइनस डेल u बाय डेल y की वैल्यू 2xy e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये n u माइनस डेल u by del y, अब इसको हो गया कट, सेम है, तो मिला क्या, माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर dy, कितना होगा साहब, माइनस 3 y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब by 3, 3 से 3 कट, तो कितना आया, माइनस का y क्यूब, ये हमारे पास मिल गया v। लास्ट स्टेप नंबर 4 क्या होगा, u प्लस v इक्वल्स टू c, u की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर फोर, v की वैल्यू माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c, दैट इज द फाइनल आंसर, जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी जो एग्जैक्ट थी, ये उसका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में रखते हैं, जिसको आपको खुद को करना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में और इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके लिए होगा होमवर्क, जिसको आपको ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम की वैल्यू से हम लोगों को करना है डेल एम बाई डेल वाई फाइंड। देखें ये एम है और ये एन है, अगर मैं डेल एम बाई डेल वाई फाइंड करूं तो देखो साइन एक्स तो कांस्टेंट है, कॉस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में होगा माइनस साइन वाई, ई टू दी पावर टू एक्स का एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0, क्योंकि फंक्शन एक्स का है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। डेल एन बाय डेल एक्स चेक करते हैं, तो साइन वाई तो कांस्टेंट है, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, जबकि टेन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब हमने यहां पर क्लियर देख रहे हैं कि डेल एम बाई डेल वाई जो है वो डेल एम बाई डेल एक्स के इक्वल है, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 क्या है,
एग्जैक्ट है, इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एक क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यथार्थ अवकल समीकरण है तो अगेन इसके सॉल्यूशन के लिए पार्ट्स लेंगे हम लोग। स्टेप नंबर वन, u इंटीग्रल ऑफ m dx y इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, m की वैल्यू sin x cos y प्लस e टू दी पावर 2x dx। y कांस्टेंट है तो cos y तो बाहर ले लो, sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल होता है e टू दी पावर 2x बाय 2। ये हमारे पास आ गया u की वैल्यू। नाउ क्या करते हैं, डेल u बाय डेल y फाइंड करते हैं। ओके ये यही कर लेते हैं। स्टेप नंबर टू, डेल यू बाय डेल वाई। अगर मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलना है, ध्यान से देखेंगे। कॉस वाई का इंटीग्रल होगा डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, वो माइनस और ये माइनस मिलके इसको बना देगा प्लस साइन वाई कॉस एक्स। जबकि e टू दी पावर 2x अपॉन 2 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ये x है, पार्शियल आंश का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाना है जीरो। हमें ओवरऑल डेल u बाय डेल y यही मिला। नेक्स्ट करते हैं स्टेप, n माइनस डेल u बाय डेल y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये हमारा होता है v इंटीग्रेशन। n की वैल्यू, n की वैल्यू cos x sin y plus tan y, cos x sin y plus tan y, ये n की वैल्यू। माइनस करना है डेल u बाई डेल y को, तो माइनस का sin y cos x, माइनस का sin y cos x, ओके dy, ये आपके हो जाता है कट। बचता है इंटीग्रल ऑफ tan y dy, इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होता है, 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं tan x का समाकलन, tan x का इंटीग्रेशन, log ऑफ sec x होता है, क्योंकि यहां y है तो ये कितना होगा, log ऑफ sec y। ये हमारे पास आ गया v। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज u प्लस v इक्वल टू c, u प्लस v इक्वल टू c। u की वैल्यू लेते हैं, u आया हमारे पास माइनस cos x cos y e टू दी पावर 2x by 2 माइनस cos x cos y प्लस v की वैल्यू log ऑफ sec y इक्वल टू c। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन था उसका फाइनल। ओके अब नाउ इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज कब लेना है, सबसे पहले ये सुने, शॉर्ट फॉर्म का उपयोग तब करेंगे जब कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम लोग उसको कुछ प्रोसेस से एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। जैसे ही वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होती है फिर ये चार स्टेप वाला सॉल्यूशन आपको यूज नहीं लेना है, फिर आपको सिर्फ एक सिंगल स्टेप यूज लेना है और वो शॉर्ट मेथड होगा। बट जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो उस केस में आपको हमेशा पूरा सॉल्यूशन चार स्टेप्स का यूज करते हुए ही करना है। अब अगर मैं इसका शॉर्ट सा उत्तर बताऊं तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो अपन ने क्वेश्चन नंबर वन लिया था, या इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, sin x cos y plus e to the power 2x dx plus cos x sin y plus tan y dy equals to 0। इसको शॉर्ट वे से कैसे करते हैं जानेंगे। सबसे पहले आपका चेकिंग तो हो गई, कंपेयर विथ m dx plus n dy equal to 0। कंपेयर करने के बाद का स्टेप क्या होगा, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स दोनों इक्वल आए, वेरीफाई हो गया कि वो एग्जैक्ट है, तो हम लोग उसका शॉर्ट वे से कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
एज इट इज लिख दीजिए फर्स्ट टॉपिक, यहां लिखेंगे टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, कॉस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको करता हूं, ओके सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा देखें। फर्स्ट में आगे इंटीग्रेशन का साइन लगाया वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकेंड में आगे इंटीग्रल का साइन लगाया, लिखा है मैंने यहां पर टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से स्वतंत्र पद। आपको क्या करना है, एक्स से स्वतंत्र पद का ही इंटीग्रेशन समाकलन करना है, ओके तो यहां तो सेम फर्स्ट स्टेप ही है, यू y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हुए कर लो, cos y बाहर है, sin x का कितना होगा माइनस cos x प्लस e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e टू दी पावर 2x बाई 2, ये तो हो गया इसका प्लस, क्या ये पद, इसमें दो पद है ये प्लस ये, क्या ये टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम x है, नहीं है, इसमें cos x है तो जो फ्री फ्रॉम x नहीं है उसको छोड़ दो, इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, बचा ये tan y का क्या होगा log of sec y, log of sec y is equals to c, ये लीजिए आंसर, जो मैंने चार स्टेप में आंसर लाया था वो सिंगल स्टेप नहीं है। तो जब भी कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके सिर्फ सीधा सा ये कर लेंगे, उसमें चार स्टेप्स यूज में नहीं लेंगे, जबकि अगर कोई एग्जैक्ट है जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है, तो हम लोगों को जो मैंने पहले करवाया चार स्टेप से उसी मेथड से करना है कंप्लीट, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस लेते हुए।